हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून। स्टूडेंट्स, टुडे टॉपिक इज साउंड्स। ये साउंड मैम टॉपिक चल रहा था, चैप्टर 6 साउंड्स। साउंड्स क्या है? साउंड्स में हिंदी में मैंने क्या बताया था स्टूडेंट्स? साउंड्स का हिंदी में बताया था मैंने कल, धमनिया, धमनी। ठीक है, हमने कल इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व कर ली थी। साउंड साउंड क्या है? इसमें आपको डिफरेंट साउंड चूज करना है, जो डिफरेंट साउंड है वही आपका आंसर होगा। कल हमने एक्सरसाइज फर्स्ट सॉल्व हो गई थी कंप्लीट, आज एक्सरसाइज सेकंड। ओके यस मैम। इसमें आपको उच्चारण में डिफरेंट साउंड चूज करना है, जो उच्चारण है उसमें डिफरेंट साउंड, जिस भी वर्ड का डिफरेंट साउंड आ रहा है वो ही आपका आंसर होगा। एक्सरसाइज सेकंड, उसका जो फर्स्ट है उसमें आपको ऑप्शन दे रखा है, एम ए कैन, बी में दे रखा है मैन, और सी में दे रखा है आस्क। और डी में है वन। आपको ए, जो ए है उसका साउंड डिफरेंट बताना है कि कौन से वर्ड का साउंड डिफरेंट है, यानी उच्चारण जो ए है, ए है, ए का उच्चारण कौन सी वर्ड में, कौन सी मीनिंग में डिफरेंट है, अलग है, वो ही आपका आंसर होगा। तो आप बताओ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स गिव आंसर मैम। सी। क्या? सी। सी। यस मैम। ओके, सी क्यों? कैन। कौन सी मात्रा आ रही है? ए की। आप हिंदी में मात्रा लगा के देख लिया करो, रफ नोटबुक साथ में रखा करो तो हिंदी में मात्रा लगा के देख लिया करो। कैन, ए की मात्रा ये आ रही है। मैन, मैन में भी ये मात्रा आ रही है, ये वाली ऊपर वाली ये मात्रा आ रही है। और आस्क, इसमें आ की मात्रा आ रही है। और इसमें वैन, इसमें भी ये मात्रा आ रही है ऊपर वाली। ठीक है, तो डिफरेंट किसमें हुई? आस्क, सी। अंडरस्टैंड? टू, जो सेकंड नंबर का है वो है मॉडिफाई बी है, ये देखना है आपको ओ का, ओनली सिंगल ओ, जो सिंगल ओ है उसका साउंड आपको देखना है। सी और डी है आपका स्टूड। ठीक है, बताओ इसमें स्टूडेंट्स डिफरेंट किसमें है, क्या आंसर होगा? स्टूडेंट्स आंसर एम डी। डी। यस मैम। कैसे? ओ का साउंड देखना है। देखो इसमें मो, ओ की मात्रा आ रही है, मो डी फाई। इसमें ऊ, वुड, तो ऊ की मात्रा आ रही है, वुड ऊ की मात्रा आ रही है, स्टूड ऊ की मात्रा आ रही है,
तो डिफरेंट किस में है मैम? ए मॉडिफाई मॉडिफाई अपना आंसर क्या होगा? मॉडिफाई 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 बैड प्ले इसमें ई की देखनी है ई वाली मात्रा क्या आती है गेट ई ई वाली मात्रा देखनी है आपको और मैट बताओ क्या होगा फ्लू मैम फ्लो फ्लो मैम फ्लू मैम ए मैम ए ए क्यों क्योंकि इसमें ई की मात्रा पूरी जा रही है मैम यस तो क्या होगा इसमें प्ले गेट बैट मैट तो ए ए प्ले फोर है आपका ग्रे फोर में ग्रे आईज ग्रे आईज प्रे 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 पी आर ई वाई प्रे आईज पी आर ए वाई प्रे ठीक है आपको साउंड वाई का देखना है वाई आईज आईज एक मिनट इसमें वाई नहीं है क्या मैम इसमें बी का आएगा वाई का साइन वाई है उसका साउंड देखना है आपको मैम बी मैम आईज मैम आईज बी आईज मैम आईज देखो वाई इसमें ग्रे तो हम वाई को हटा देते हैं आईज मैम आईज ठीक है साइलेंट हो गई वाई इसमें आईज ई वाई को क्या बोल रहे हैं ई बना रहे हैं हम आईज और प्रे इसमें भी वाई नहीं बोल रहे और प्रे इसमें भी वाई ने हमने हटा दिया वाई नहीं बोल रहे तो शो किस में हो रही है ओनली आईज में तो अपना आंसर क्या हुआ आईज नेक्स्ट है अर्न एरो अर्न एरो सॉरी एरो नहीं है इसमें अर्न वाले में है जील डील एंड सील और आपको देखना है ई ए ई ए का साउंड देखना है कि डिफरेंट किसमें आता है जब आंसर आ जाए तब बता देना मैं सिक्स वाला राइट कर रही हूं एमिरन क्या एमिरन ए ओके एमिरन क्यों एमिर वाला अर्न यस मैम अर्न अर्न जील ई की मात्रा आ रही है डील ई की मात्रा आ रही है सील बड़ी की मात्रा आ रही है तीनों में सेम है ठीक है डिफरेंट कौन सा हुआ अर्न नेक्स्ट आपका है पार्ट एरो पार्ट एरो हार्ट और लास्ट है आपका अपार्ट आपको देखना है ए आर मैम इसमें एरो एरो ए आर एरो मैम एरो ए कैसे आएगा मैम उसमें आर का पूरा शब्द आ रहा है मैम मात्रा कौन सी है आ रही है आ आर पार्ट आ और रे ऐसे कोई मात्रा नहीं जा रही ये मात्रा एरो में जा रही है ये हार्ट आ ते आर और ये भी आर तो कौन सी डिफरेंट हुई डिफरेंट कौन सी हुई कौन सा वर्ड डिफरेंट हुआ एरो एरो तो डिफरेंट कौन सा हुआ एरो
आप लिख के देख लिया करो वर्ड को एरो। नेक्स्ट है आपका क्रॉल, वॉल, फॉलो और लास्ट है हॉल। ओ एल का देखना है आपको डिफरेंट कौन सा है बताओ डिफरेंट। एम सेलो क्या? एम सेलो रोल ले के कोई मात्रा नहीं आ रही, फॉल ले के भी कोई मात्रा नहीं आ रही, लो लेके मात्रा आ रही है और यस मैम ले होले ले। फ्रेंड कौन सा हुआ? फॉलो एम सेलो फॉलो सेलो नहीं फॉलो एम सेलो ठीक है फॉलो। नेक्स्ट है आपका एट लाइव, आई में बताना है इसमें अब बताओ आई में बताना है डिफरेंट कौन सा हुआ? मैम ब्रिंग क्या? ब्रिंग क्यों? ब्रिंग मैम इसमें बी ब्रिंग अब देखो देखना भी है कि डिफरेंट हुआ। लाइक आ की मात्रा आ रही है, लाइक ब्रिंग ई की मात्रा आ रही है, स्पाइक आ की मात्रा आ रही है, आ की मात्रा आ रही है, तो डिफरेंट कौन सा हुआ? ब्रिंग। नाइन है आपका वक, नाइफ, कैप एंड मैक। इसमें के बताना है के मैम नाइफ नाइफ मैम नाइफ वाली में के को हम न बोल रहे हैं, के को हम मिस कर रहे हैं, हटा रहे हैं, के है मैम उसका जो फर्स्ट मैम नाइफ है मैम नाइफ यस मैंने सुन लिया नाइफ जो के का उच्चारण है वो इसमें यानी छुप गया है, हाइड हो गया है और हम ओनली नाइफ पढ़ रहे हैं और इसमें देखो कै का उच्चारण आ रहा है, वक का आ रहा है, केक का आ रहा है, मेक का आ रहा है, इसमें कै कहीं भी नहीं बोला जा रहा है जबकि कै अपने को दिख रहा है। अंडरस्टैंड? तो कौन सा हुआ? नाइफ नाइफ। दिस दैट thin or there, आपको देखना है th का उच्चारण किसमें भिन्न है, th का उच्चारण किसमें भिन्न है आपको ये देखना है student। thin 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 किसमें different है? thin c c क्यों? मैम क्योंकि इसमें मैम टीएच का है ना पूरा उच्चारण जा रहा है, मैम आवाज आ रही है। यस देखो दिस दे आ रहा है, दैट दे आ रहा है, थिन इस टीएच को हम क्या बोल रहे थे और इसको थिन यानी सब में दे दे आ रहा है, इसमें अकेले भी क्या आ रहा है, तो डिफरेंट साउंड कौन सा हुआ? थिन थिन। नेक्स्ट आपका her or their and word, बताओ। देखो ई में देखना है, इसमें
मैम किसका क्या देखो हर हर रे कोई मात्रा नहीं आ रही ओवर रे कोई मात्रा नहीं आ रही मैम ओवर देम ओवर ओवर कैसे होगा देखो ई आर को देखना है तो हर कोई मात्रा नहीं आ रही अर हो रहा है ओवर 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 इसमें भी कोई मात्रा नहीं आ रही वर मैम देयर ओ तो इसका बोल रहा है ना ओ का फिर अपने को वह और रही तो दिख रहा है वर के कोई मात्रा इन देयर क्योंकि इस ई को हम एक ही मात्रा बना दिए तो डिफरेंट कौन सा हुआ देयर 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 नेक्स्ट मैम यस मैम नो टॉक और लास्ट है लॉक डब्ल्यू एल के टी एल के और लॉक ठीक है तो बताओ डिफरेंट गेम में बताना है नाउ क्या आएगा नाउ Now. इसमें कह नहीं बोल रहे हैं हम कह का उच्चारण नहीं हो रहा है no. हाइड है हाइड no. है इसलिए नो no. नो no. देखो नहीं है थैंक यू वीडियो स्टार्ट कर लीजिए अब आपको ओम में देखना है बताओ जल्दी से मैम सम सम रॉन्ग आंसर दोबारा बताओ सम रॉन्ग आंसर है ओम सम होम नॉन होम होम राइट आंसर क्यों क्योंकि ये इस ओ को भी हम क्या कर रहे हैं कम मात्रा नहीं लगा रहे सम कोई मात्रा नहीं लगा रहे yes, ma'am. ओम ओ की मात्रा आ रही है और नन नहीं है मात्रा तो क्या आएगा no, ma'am. ओम फिर अपना नेक्स्ट है इसमें आपको वाई देखना है वाई में डिफरेंट देखना है मैम हैप्पी हैप्पी मैम हैप्पी ये क्या रहा है वे हैप्पी बड़ी की मात्रा आ रही है और मैं इनमें सबसे वाइड यस मैम वाइड है और हैप्पी मैम हैप्पी जाएगा हैप्पी हैप्पी एक्सरसाइज 3 3 का फर्स्ट है 2 No. So. No. और no. ओम में देखना है स्टूडेंट्स मैम क्नो तू मीटिंग कर देंगे मैम क्नो इनमें ओकी ओकी और इसमें ओनली बड़े ऊ की मात्रा आ रही है तो डिफरेंट साउंड कौन सा हुआ टू नेक्स्ट आपका है लाउडली आउट शुड और प्राउड तो डिफरेंट कौन सा हुआ शुड थर्ड है
नाइन काइट प्रिंट और है लाइट। आई में देखना है, आई में देखना है आपको आई का प्रिंट प्रिंट प्रिंट। इसमें आई को क्या बोल रहे हैं? आ बोल रहे हैं, नाइन आ बोल रहे हैं, काइट में भी आ बोल रहे हैं, प्रिंट और लाइट में भी आ बोल रहे हैं प्रिंट। तो आंसर क्या हुआ? प्रिंट प्रिंट प्रिंट। मून बुक सून और फूल। मैम बुक बुक है क्योंकि इसमें छोटे ऊ की मात्रा आ रही है, आ रही और इनमें बड़े ऊ की मात्रा फाइव है। कट कफ फुट एंड बस। मैम यस मैम मैम आपने कट दो बार लिख दिया क्या? मैम कट आपने दो बार लिख दिया। कट दो बार लिख दिया कब पर कब? यस मैम ये कब पर कब? ये कब है? अब बताओ डिफरेंट कौन सा है? मैम बस मैम बस कौन सा है? बस डिफरेंट कट यू में देखना है, यू यू की मात्रा में देखना है। मैम बस राइट आंसर। क्यों? क्योंकि उसमें ऊ की मात्रा आ रही है और इसमें कप मात्रा ही नहीं आ रही, कट्टी मात्रा नहीं आ रही, बस मात्रा नहीं आ रही, मात्रा किसमें आ रही है? फुटे। तो डिफरेंट साउंड कौन सा हुआ? फुटे। ओके नेक्स्ट आपका ये हो चुका है, आपका एक बार मैंने करवा दिया। ये नाइट नाइन वाला yes, है, नाइन साइड ठीक है, प्रिंट आएगा मैम। स्टूडेंट्स जो आपकी एक्सरसाइज सेकंड और थर्ड दोनों कंप्लीट हो चुकी है yes, ma'am. ठीक है, तो एनी प्रॉब्लम आपको yes, एक्सरसाइज? नो मैम। सॉल्व कर लोगे आप? यस मैम। ओके तो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक होगा नेक्स्ट चैप्टर नंबर सेवन आपको मैं पहले बता देती हूँ, जम्बलेड लेटर है जो चैप्टर नंबर सेवन है। जम्बलेड लेटर जानते हैं? मैम हमको आते हैं, आते हैं ना जम्बलेड लेटर, हमको आते हैं। आपको स्पेलिंग सही बनाना है उसमें, ठीक है मैम? हमको आते हैं। हाँ आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ओके। क्लास लीव यस मैम। यस मैम बाय। स्टूडेंट्स आपने बुक्स नहीं ली? वैसे आपकी फिफ्थ क्लास no, अभी बुक्स अवेलेबल भी नहीं है फिफ्थ क्लास।